आप देख रहे हैं खबर सीजी न्यूज। खबरों के तेज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जांजगीर चांपा के करतरा थाना क्षेत्र में हत्या की संगीन वारदात का खुलासा किया गया है। आरोपियों ने महिला से पहले शारीरिक संबंध बनाया, फिर गला दबाकर और नुकीले पत्थर मारकर हत्या कर दी। मामले में अकलतरा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपियों से 3 बाइक भी पुलिस ने जब्त किया है। अकलतरा थाने के TI मनीष सिंह परिहार ने बताया कि नहर में महिला की लाश बोरी में भरी मिली थी। PM रिपोर्ट से हत्या का खुलासा होने पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। यहां खुलासा हुआ कि आरोपी चंद्रमणि वैष्णव का महिला उर्मिला से पहचान था और उसका घर आना जाना था। 9 अक्टूबर को चंद्रमणि वैष्णव ने अपने दोस्तों सुरेंद्र शिवदास महंत के साथ मस्ती करने की योजना बनाई और महिला को CCI के बंद पड़े माइंस के पास बुलाया। इसके बाद तीनों ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान रात्रि 9 बजे महिला ने अपने बच्चे की तबीयत खराब होने की बात कही और घर छोड़ने को कहा। यहां तीनों आरोपियों ने उनसे रुकने की जिद की। इसके बाद महिला के साथ हाथापाई करने लगे। इस पर महिला ने थाने में रिपोर्ट करूंगी बोली। इसके बाद तीनों आरोपियों ने तैश में आकर महिला का गला दबाकर और नुकीले पत्थर से मारकर हत्या कर दी। फिर शव को बोरे में भरकर तरौत गांव की बड़ी नहर में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत जुर्म दर्ज किया है और मामले में तफ्तीश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर CG न्यूज। हमारी खबरों को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं।